मैं केवल एक सूखा वृक्ष भर रह गई हूँ, न फल न फूल न शाख न पत्ती न छाया न ठंडक। ऐसे सूखे वृक्ष की शरण में भला कौन आना पसंद करेगा। धरती ने भी जैसे अपने स्रोत समेट लिए हैं, तभी तो मेरी जड़ें तरावट को तरसती धरती छोड़ने लगी हैं। ऐसा सूखा छाया रहित फूट वृक्ष तो बस जलाने के काम का रह जाता है। लपटों के बीच कोयला बनती काली काया। दरवाजे की घंटी बज उठी। शालमली के हाथ सब्जी काटते काटते रुक गए। सोच का सिलसिला बिखर गया। हाथ का चाकू सब्जी की टोकरी में डालकर वह उठ खड़ी हुई और आंचल से चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए तेजी से दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा खोला, सामने नरेश खड़ा था। वह हल्के से मुस्कुराई, मगर उत्तर में उसे केवल एक कड़ी नजर झेलनी पड़ी। सपाट चेहरे के साथ नरेश घर में दाखिल हुआ। शालमली ने थके हाथों से दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। पिछले 2 वर्षों से वह शीत युद्ध की आदि हो चुकी थी, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि वह हर प्रकार के संग्राम में आंखें बंद करके कूद जाने के लिए मजबूर कर दी गई थी। गृह युद्ध में नरेश ने किस लड़ाई का बिगुल बजाया है, आभास मिलते ही वह अपने बचाव का कवच पहने अंदर से सावधान की मुद्रा में खड़ी हो जाती थी। हर गुजरने वाला क्षण उसे होशियार खबरदार की आवाज से सचेत करता था। उसके अवचेतन में खतरे की बू सूंघने की एक विचित्र शक्ति अंकुरित हो गई थी। भले ही वह ऊपर से शांत और सामान्य बने रहने की चेष्टा करती रही हो, मगर सहजता तो उसके अंदर से जाने कहां गायब हो गई थी। हरदम एक खटका एक धड़का लगा रहता था कि देखो अब आगे क्या होता है। तुमने वह कागज पहुंचा दिया था, नरेश की आवाज गूंजी गई थी, मगर काम हुआ नहीं। चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए शालमली ने कहा, तुम क्या कर पाओगी मेरा काम, मुझे पता था। खैर वह लिफाफा मुझे दो, मैं स्वयं कल जाकर काम पूरा कर लूंगा। कूढ़े अंदाज से नरेश ने कहा और शालमली की बढ़ाई प्याली पकड़ी। जाने से पहले तीसरे पन्ने पर हस्ताक्षर जरूर करा लेना, वरना मेरी तरह तुम्हें भी लौटना पड़ेगा। शालमली ने मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की भरी। उसके इस तरह कहने से नरेश के चेहरे की कठोरता कुछ कम हुई, मगर बोला कुछ नहीं। उसी गंभीरता को ओढ़े हुए वह नहाने चला गया। शालमली के चेहरे पर खेलती मुस्कुराहट दम तोड़ गई। एक थकावट भरी उदासी ने उसे दबोच लिया। कुछ पल वह चाय की प्याली को देखती रही, फिर कमरे में फैले नरेश के ब्रीफकेस, शर्ट और जूतों को उनके स्थान पर रखने लगी। विवाह के कुछ दिनों बाद से ही उसे लगने लगा कि उनके बीच कुछ टूटा था, जिससे एक ही ध्वनि गूंजी थी कि नरेश पति है और वह पत्नी। स्वामी और दासी का यह संबंध एक काली छाया बन उसके और नरेश के बीच एक मजबूत दीवार का रूप धरने लगी थी। उसने आरंभ में बहुत हाथ पैर मारे। मानवीय संबंधों की गहराई को परंपरागत चले आए पति पत्नी के रिश्तों से अलग हटकर एक पारस्परिक समझ और बराबरी के स्तर पर उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर बात उससे बिगड़ी थी। वह घबरा कर पहली कही बात को विस्तार से समझाने की अधिक कोशिश करती, मगर फिर उससे बात बन न सकी बल्कि बिगड़ती ही चली गई। उसके विवाहित जीवन में गहन लगना था सो लग गया। उसके विवाहित जीवन में गहन लगना था यानी कि ग्रहण लगना था लग गया। उसका संकल्प संघर्ष उसकी चुनौती जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण सब कुछ एकाएक ढहते नजर आए।
जीवन का यह रूप उसने कभी नहीं सोचा था, मगर प्रश्न उसके सोचने का नहीं, किसी दूसरे के सोचने का था। और इसी विभ्रम ने दोनों के आधे आधे चेहरे ढक लिए थे। जो शेष आधे चेहरे बचे थे वे भी धुंधला कर स्याही की चपेट में आ रहे थे। एक दूसरे पर आरोप लगाते, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हुए अपनी सारी कोशिशों के बाद उसे लगने लगा था कि कहीं यह गहन पूरा का पूरा उसके विवाहित जीवन को निगल न जाए। विवाह से पहले जो मुलाकातें नरेश से हुई थी उससे तो उसने यही अर्थ निकाला था कि नरेश चीजों को कुछ अलग ढंग से देखता है। यह सोचकर वह खुश भी हुई थी कि एक तरह की सोच उनके जीवन में नीरसता तो नहीं भरेगी। दोनों एक साथ रहकर अपने अपने दृष्टिकोण से जीवन को अधिक रसिकता प्रदान करेंगे, उनके पास कहने सुनने को बहुत होगा। ऊप जैसा अभिशाप उनके घर की जोड़ी भी लांग नहीं पाएगा, मगर यहाँ तो संवाद की एक ही धुरी है कि तुम ठहरी एक आधुनिक विचार की महिला, विचारों में स्वतंत्र, व्यवहार में उन्मुक्त तुम्हारे संस्कार। यह वाक्य उसके आदमकद वजूद पर चिपका दिया गया है जो दूर करीब हर कोण से चमक उठता है। आधुनिकता की जो परिभाषा नरेश देता है उसके विश्लेषण को सुनकर स्वयं शालमली को शब्द आधुनिकता से घृणा होने लगती है। पिछले 20 साल से उसे कदम कदम पर यही बताया गया था कि उसे कक्षा में प्रथम आना है, प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेना है, पूछे गए प्रश्नों का भली प्रकार से उत्तर देना है, अपने को निरंतर खोजते रहना है, अपने को निरंतर खोजते रहना है, अपने को निरंतर खोजते रहना है। मैं इस वाक्य को 3 बार इसलिए पढ़ गई है क्योंकि ये हालिया कविताओं में इस तरह से आया है कि जैसे पहली बार लिखा जा रहा हो, जबकि ये कितना ज़्यादा आ चुका है, कितना खूबसूरत मनोवैज्ञानिक चित्रण चल रहा है दाम्पत्य का। मुझे एक और उपन्यास याद आ रहा है, 2 एकांत, विवेक और वानीरा, जिसके नायक नायिका है नरेश मेहता जी का। अभी बताती हूँ कि ये शानदार चित्रण, ये इतनी सशक्त कलम किनकी है। विद्यालय में उसकी जीव विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि मस्तिष्क खत्म होने वाली निधि नहीं है, इसका प्रयोग जितना करोगी वह उतना ही बढ़ेगा। तर्क और तथ्य की ढूंढने की उसकी शक्ति को देखकर हमेशा पिताजी माँ से कहते, देखना एक दिन वह बड़ों बड़ों के कान कुतर डालेगी, खूब नाम कमाएगी, मेरा सर ऊंचा करेगी। लड़की पराया धन है, पति के घर सुख से रहे यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, बाकी तो माँ हंस कर कहती, तुम नहीं बदलोगी श्यामल, आज औरत का कर्तव्य पत्नी बनने तक सीमित नहीं है, समय बदल रहा है। समाचार पत्र तो तुम पढ़ती नहीं हो, वरना वह लेख पढ़ती तो पता चलता कि संसार में क्या हो रहा है। अच्छा लाओ मैं ही पढ़कर सुनाता हूँ, शालू बेटी जरा मेरा चश्मा तो उठाना। इतना कहकर पिताजी माँ को लेख सुनाते और साथ ही साथ बीच बीच में आए नामों और घटनाओं को विस्तार से समझाते ताकि लिखे गए वाक्य का संदर्भ माँ की समझ में आ जाए। सच तो है, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के प्रसार का आंदोलन गांव-गांव पहुंचा था। पिताजी बताते हैं कि उस समय जो बच्चों को पाठशाला नहीं भेजता था उससे जवाब तलब किया जाता था। पेशेवर लोगों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे थे जिन्हें पता था कि उन्हें बाप दादा का पेशा ही करना है। फिर आज उसी शिक्षा के नाम पर कटाक्ष क्यों? पुरानी मान्यताएं सड़ गल कर लुप्त हो चुकी हैं, उनकी आज दुहाई क्यों? समाज को आगे जाना है या पीछे? भोजन बन गया है तो? नरेश की आवाज उसे दूर से आती सुनाई पड़ी। अभी लगाती हूँ, कहते हुए शालमली काटे सलाद पर नमक
छिड़कने लगी, काटे हुए सलाद पर नमक छिड़कने लगी। देर है क्या? नरेश का ऊब भरा स्वर उभरा। नहीं, खाना परोसती हूँ बस, कहते हुए शालमली तेजी से थाली में कटोरी सजाने लगी। एक दिन महाराजन न आए तो तुम्हारी दशा देखते बनती है। नरेश ने शालमली के चेहरे पर चुहचुहाती पसीने की बूंद देखकर कहा। घर और दफ्तर कुल मिलाकर थकन तो हो ही जाती है, शालमली ने गिलास में पानी डालते हुए कहा। उफ, फिर वही सब्जी, वह मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, कहते हुए नरेश उठ खड़ा हुआ। थोड़ा चक्कर तो देखो ना, शालमली मनुहार करते हुए बोली। अब ज्यादा विनम्र बनने की चेष्टा मत करो, समझी? नरेश ने अपना बाजू शालमली के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। गुस्सा थूक दो, तुम्हें मेरी सौगंध, बैठ जाओ, शालमली ने नरेश की कही बात को अनसुना करते हुए कहा। मन नहीं है, कहता हुआ नरेश दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब इस समय बाहर कहाँ जा रहे हो? शालमली ने आवेश को दबाते हुए पूछा। ऐसी पत्नी जो अपने पति से अधिक चतुर, सुदृढ़ और व्यवहार कुशल समझती हो, उसके पति के भाग्य में ढाबे का खाना ही लिखा है, नरेश ने घृणा से कहा। शालमली अपमानित से खड़ी रह गई। यह कैसा पति है जो जरा जरा सी बात पर घर से बाहर की तरफ भागता है, जिसके व्यक्तित्व में जरा भी ठहराव नहीं है, उसे बांध कर रखना हथेली पर सरसों जमाना जैसा है। शालमली ने चुपचाप परोसी थाली उठाई और रसोई में जाकर रख दी। क्रोध से उसकी कनपटी फटने लगी थी, मगर वह सहिष्णुता से अपने को संभाले खड़ी रही। मैं थोड़ी देर में आऊंगा, नरेश ने कपड़े बदल लिए थे। पता है सिद्धार्थ से कहना कि उसका काम हो गया, कहते हुए शालमली आगे बढ़ी। उसकी कही बात से नरेश का चेहरा पल भर के लिए लाल हुआ, जैसे फिर वही कठोरता का पर्दा गिर गया। कुंडी बाहर से लगा लेना, शायद मैं तब तक सो जाऊं, कहते हुए शालमली ने रसोई समेटी। उसकी भूख मर चुकी थी। बिना खाना खाए वह ऑफिस से लाई फाइलों को उलटती पलटती रही, फिर उपन्यास उठाकर बिस्तर पर लेट गई। जिस दिन दफ्तर में पीने पिलाने का कार्यक्रम तय होता है, उस दिन नरेश का मूड घर से उखड़ा रहता है, ताकि वह अपने अकेले जाने और देर से लौटने के कारण को तर्क संगत बना सके। शालमली को यह बात पता है, इसलिए आज उसने जानकर सिद्धार्थ वाली बात कही थी। एक शाम दोस्तों के साथ यदि पीने पिलाने में गुजारनी है, तो घर से लड़कर पत्नी पर लांछन लगाकर जीने की क्या जरूरत है? यह बात आज तक शालमली की समझ में नहीं आ पाई थी। महीने भर पहले केवल साबुन को लेकर एक हंगामा हो गया था। अलमारी से साबुन निकालकर नरेश को देते हुए शालमली सोचने लगी कि क्या प्रेम और कर्तव्य की खाई पाटी नहीं जा सकती है। कभी कभी वह सोचने लगती थी कि एकाएक इंसान का व्यक्तित्व तो बदल कैसे जाता है। अच्छा भला इंसान एक काम के न हो सकने के कारण अपंग कैसे मान लिया जा सकता है? उसके पिछले गुण एकदम से भुला क्यों दिए जाते हैं? इन सारे प्रश्नों को वह नरेश के बदलते तेवर के साथ महसूस करती थी, मगर उनका उत्तर उसकी समझ में नहीं आता था। वह समय से पहले जीवन संघर्ष में कूद पड़ी थी। कम उम्र में जब लड़कियां फिल्मों और कविताओं में डूबी अजीब अजीब सपने देखती थी, उस वक्त वह एक कामकाजी लड़की में ढल चुकी थी। भावुकता की जगह उसके अंदर एक ठहराव, एक समझ उम्र से ज्यादा बड़ी होकर उसको गंभीरता प्रदान कर चुकी थी। अपने को संभालना, अपने को संवारना उसे किसी ने नहीं बताया था, बल्कि वह खुद चलते चलते सीख गई थी। दुख इंसान को ज्यादा ठोस बनाता है और संघर्ष एक विचित्र सहनशीलता देता है, जिसमें अपने परिश्रम से मिली उपलब्धि की गंध हमेशा एक भरा पूरा एहसास देती है। तभी शायद नरेश के प्रत्येक बचकाना व्यवहार को हंसकर इस तरह से टाल जाती, जैसे वह पत्नी नहीं माँ हो, जिसे अपने गोद में खिलाए बच्चे की हर हरकत का पता हो।
वह ठीक था भी कि नहीं, वह नरेश को पूरी तरह समझ गई थी, मगर सवाल समझने का नहीं बल्कि उसके नकारात्मक व्यक्तित्व में अपने विकास द्वार को ढूंढने का था। बातें समझकर भी एक हट अड़ जाने की, अपनी बात मनवा लेने की, चाहे वह जितनी बेवकूफ़ी की क्यों न हो, शालमली को एक अंधेरे कारागार में डाल देती थी। ब्याह के कुछ दिन बाद जो पहली मुठभेड़ नरेश से हुई थी, उसका सर पैर उसकी समझ में नहीं आया था। आज भी वह कड़वे कटाक्ष कानों में जहर घोलते हैं। जरा सी बात का प्रश्न नहीं है, बल्कि मेरी समझ का फेर है। मैं ठहरा इस घर का रक्षक, भले ही तुम मुझे स्वामी न समझो, मगर सारा बोझ कोल्हू के बैल की तरह मेरे कंधों पर डाल देती हो, क्योंकि मैं पति जो ठहरा और तुम ठहरी अबला, पत्नी भी कैसी आला अफसर। अगर मैं वह बात न कहती तो शायद मैं इतनी अपंग और आप अपने को इस तरह न कोसते, क्यों? शालमनी ने आश्चर्य से कहा था। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, तुम्हारे तर्क मुझे अपने बॉस की याद दिला देते हैं। पत्नी हो, पत्नी की तरह रहो, समझी? तो दोस्तों, ये एक बेहद खूबसूरत, केवल मनोवैज्ञानिक नहीं, संवादों के साथ, भावों के साथ, आभासों के साथ, अनुभवों के साथ, अनुभव यानी जो दो पात्र हैं नरेश और शालमली, उनके साथ साथ आगे बढ़ता हुआ यह शानदार उपन्यास है शालमली नासिरा शर्मा जी का। कल इनका जन्मदिन था। हम सब की बहुत प्रिय आदरणीय लेखिका हैं, उनको एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित हैं। और दोस्तों, आपने मेरे पाठ से जितना थोड़ा बहुत सुना, आप इसे पढ़ चुके होंगे या पढ़ने को तैयार हो रहे होंगे। मैं भी तैयार ही हो रही हूँ, बीच बीच में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है अपने इमिग्रेशन के काम के बीच में, तो मुझे इसको पढ़ के सुकून मिलता है, क्योंकि इस तरह से आधुनिकता की परिभाषा को खंगालने वाली एक नायिका मुझे अच्छी लगती है। कहानियों में, उपन्यासों में मुझे अच्छा लगता है, टकराव तो नहीं लेकिन मुझे वास्तविक लगता है, एक ऐसा टकराव जहां स्त्री निश्चित रूप से दफ्तर के बाद भी पत्नी की भूमिका में होने के लिए न केवल जिम्मेदार है, बल्कि उसे ठीक से न निभा पाने के लिए, सिर्फ एक सक्षम तर्क प्रस्तुत कर देने के लिए कटघरे में खड़ी है। तो दोस्तों, एक घोर स्त्रीवादी उपन्यास, एकदम से इस पे एक लेबल लगा देना हुआ, हमने तो अभी शुरुआत की है, स्त्रीवादी दृष्टि भी एक लेबल है, अगर हम उसको थोड़ा सा परे हटाकर, बहुत ज़्यादा टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है इतनी खूबसूरत रचना को, नी सशक्त कलम को, लेकिन अगर उसको हम परे हटाकर केवल देखें कि कैसे स्त्री जो है वो समझौता करती है, कितना अपमान उसको झेलना पड़ रहा है, अगर सब्जी रिपीट ही है तो क्या हो गया? हम सब इससे वाकिफ हैं, हम सब इसका सामना कर चुके हैं अनेक भूमिकाओं में, और किस तरह से उसे समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो कितनी अक्षम है रसोई घर से अपना नाता जोड़ने में, और मतलब वो सलाद तक काटने में उसकी मदद नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ उसको आंक रहा है। ये है पितृसत्तात्मक समाज। तो ये थोड़ा पहले का लिखा उपन्यास है, कभी मैम से, नासिरा मैम से इसकी रचना प्रक्रिया पे बात हुई थी, मैम से एक साक्षात्कार की गुजारिश है, आशा है कि आपको वो साक्षात्कार वह सुनवाऊंगी जल्दी। आगे भी मैं इस उपन्यास पर चर्चा आपके साथ करती रहूंगी। फिलहाल मेरा पाठ और मुझे सुनने के लिए आभार, बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब।